अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काउंसलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। आपको पता है कि बीएचयू ने यूजी और पीजी की काउंसलिंग की तिथि ऑलरेडी घोषित कर दी है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हर हालत में तैयार रहना होगा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। पहला क्वेश्चन यह है कि ये प्रक्रिया ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया पूरी की पूरी ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन तरीके से ही काउंसलिंग करवाई जाएगी और आपको बीएचयू के कैंपस या उसके एफिलेटेड कॉलेजेस में जाकर के फिजिकली प्रेजेंस के साथ करवाना पड़ेगा। अब हम आते हैं डेट पे। तो यूजी की जो काउंसलिंग की तिथि है वो 15 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगी मेन कैंपस में रेगुलर सीट के लिए। ध्यान रखिएगा, यूजी की काउंसलिंग 15 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रेगुलर सीट के लिए मेन कैंपस में चलेगी। इसके अलावा पेड सीट के लिए जो मेन कैंपस में काउंसलिंग है वो 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगी। अब यूजी के एफिलिएटेड कॉलेजेस और आरजीएससी यानी कि राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए जो काउंसलिंग होगी वो 6 से 11 नवंबर के बीच में होगी। ये यूजी के डेट्स हो गए, यानी कि पूरा अगर बात करें तो 15 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक इनकी प्रक्रिया चलेगी मेन कैंपस, साउथ कैंपस और एफिलेटेड कॉलेजेस मिला के। अब हम पीजी पर आते हैं। तो पीजी के लिए मेन कैंपस और राजीव गांधी साउथ कैंपस में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद एफिलेटेड कॉलेज में रेगुलर एंड पेड सीट दोनों के लिए जो है वो 16 से 18 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आपका कॉल लेटर कैसे आएगा, कहां से आप डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे बच्चे पहली बार अप्लाई किए हैं तो नहीं जानते हैं, उनको बता देना चाहता हूं। देखिए, आपको पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, इनफैक्ट पीजी के लिए। तो उनका जो कॉल लेटर है आपके ईमेल आईडी पर भी आएगा, आपको मैसेज भी किया जाएगा कि योर काउंसलिंग डेट इज दिस 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 और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ओवर देयर ऑन दिस डेट इतना बजे। ये आपको मैसेज के थ्रू भी जाएगा, मतलब जो फोन नंबर रजिस्टर किया होगा, और मेल पे भी आएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, बीएचयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.in, वहां पर आपने अपने आईडी से लॉगिन करके आईडी पासवर्ड के साथ में आपको काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, जैसे वेदर यू रिक्वायर हॉस्टल और नॉट, तो वो सब चीजें आप ऑनलाइन ही भर लीजिएगा। इसके बाद उसका प्रिंट आउट करवा करके आप काउंसलिंग में जाकर के हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अब रह गया बात कि जैसे 1 से 15 अक्टूबर के बीच में पीजी के विद्यार्थियों की काउंसलिंग है और वो चिंता कर रहे हैं कि सर अभी तक हमारा कॉल लेटर नहीं आया है, 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा भी बात नहीं है कि 1 तारीख मतलब कि 1 अक्टूबर को काउंसलिंग है तो आपको पिछले दिन मतलब कि 30 तारीख को मतलब ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका कल काउंसलिंग है, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 4 से 5 दिन पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया जाएगा, चाहे वो मेल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो, और इवन जब काउंसलिंग लेटर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कम से कम 4 से 5 दिन का समय दिया जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। 1 अक्टूबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि जरूरी है कि 1 अक्टूबर के सारे पीजी के काउंसलिंग हो जाए, नहीं, हो सकता है 5 को हो, 7 को हो, 8 को हो, 10 को हो, पूरा लिखा है, वो स्पैन है 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। तो इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स उतने हैं, अच्छे मार्क्स हैं, तो जरूर आप निश्चिंत रहिए, आपको बुलाया जाएगा, इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है। और अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक मैसेंजर पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन चारों चीजों की आईडी मैं दे दूंगा, आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, आई विल पॉजिटिवली रिप्लाई। पिछले 24 घंटों में लगभग 2000 से 2500 के बीच में विद्यार्थियों को मैंने रिप्लाई किया है पर्सनल मैसेज के थ्रू, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक मैसेंजर हो, तो आप कर सकते हैं। बाकी कोई बात होती है, बाकी कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जानने का मौका दीजिए, मैं जरूर उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर आप जरूर लाभान्वित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। बस यही कहूंगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए एंड जस्ट बी रेडी फॉर काउंसलिंग। जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जिसके मार्क्स बेहतरीन है, वो तो जरूर ही तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।